ओम शांति। दादी का मैंने देखा कि इतना था कि एक बार मैं दादी गई थी आसाम, और गंगे दादी भी गए हुए थे, दादी गए थे। दादी ने कानपुर फ़ोन कराया क्योंकि वहाँ से फिर उनको पंजाब टूर में जाना था। कानपुर में मेरे को फ़ोन कराया, वो ट्रेन दादी की वाया लखनऊ थी पंजाब जाने के लिए, पंजाब मेल था, मुझे लखनऊ में भोजन दे के जाओ। दादी को मेरे हाथ का भोजन बहुत पसंद आता था, कुछ बाबा का वरदान था, अच्छा बन जाता था, दादी को बहुत अच्छा लगता था। तो मैं लखनऊ में जब भोजन लेकर के गई तो दादी ने कहा कि ये जो बनाया है तुमने दही बड़ा, ये तो मैं रख देती हूँ, कल भी खाऊंगी। ट्रेन में उसको रख दिया दादी ने हवा में, और फिर चलते समय बोली कि तुम गाड़ी में आ जाओ, चलो मैं तुमको जो है ना पंजाब घुमा के लाती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो यूं ही चली गई थी, एक ड्रेस पहने हुए जो थी कि हमको खाना दे करके फिर कानपुर लौट के आना है। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा आओ आओ, गाड़ी छूटते समय चढ़ा लिया ट्रेन में, चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको पंजाब घुमाएंगी। तो हम जाते थे, दादी के साथ पहुंच गए, और उन दिनों में फर्स्ट में एक अटेंडेंट का ले जाने का होता था प्रावधान, तो दादी हमें अटेंडेंट बना लिया, टिकट भी नहीं लगी, और सारे पंजाब का टूर दादी ने किया, उनके साथ मैंने किया। और दादी मैं जब पहले उतरी जहाँ जिस सेंटर पर, तो खुद प्रबंध करवाती थी, बोलती थी देखो इसके पास ये नहीं है, ये नहीं है, मैं इसको लेके आई हूँ। तो सेंटर वाले मुझे पेस्ट ब्रश साबुन से ले करके कपड़े से लेके इंतज़ाम करते थे, और दादी ने सिखाया कि तुम अपने कपड़े रात को धो के सुखा दो, सवेरे उठ के प्रेस कर दो, और रात को बहनों से ले लो। तो ये सारा मेरा ख्याल दादी रखती थी, हर बहन को कहती थी कि इसको ना तुम लोग कपड़े दे दो पहनने के लिए। और साथ साथ दादी, क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं होता था, अपने साथ ही कार में बिठा करके ले गया, और ले जाने के बाद सब घुमाया फिराया। तो दादी का प्यार जैसे मेरे ऊपर बरसता रहा, और मेरा प्यार भी दादी के साथ था ही था। ऐसे मैं कहीं भी दादी के साथ जाती थी, किसी प्रोग्राम में पहुंचती थी उसी टाइम पर, तो वहाँ भी दादी कह देती थी मेरा भोजन तो विद्या बहन ही बनाएगी। जैसे एक बार हैदराबाद में मेला लगा हुआ था, बड़ी एग्जीबिशन, तो वहाँ भी दादी ने बोल दिया कि भोजन तो विद्या बहन ही बनाएगी हमारे भोज खाने का। तो दादी को लगता था कि विद्या आ गई है तो भोजन कायदे का मिलेगा। तो ऐसे और भी सेंटर्स है, वहाँ भी दादी ने मेरे को ही लगाया। तो जब वहाँ भी किया, यूपी में भी, बनारस में दादी गई, दादी ने बोला विद्या बनाएगी मेरा खाना, और दादी को भरोसा था कि अच्छा बनाएगी। लेकिन एक गलती वहाँ हो गई, क्योंकि उन दिनों में दादी के जो खाने की नली है उसमें थोड़ी तकलीफ थी, तो मिर्च मसाले मना था, वो नहीं डालना है, और सिंपल भी बनाना, ठीक भी बनाना। मैंने जिस माता को भिंडी काटने को दिया, उस माता ने भिंडी में हरी मिर्च काट के डाल दिया कि छौंक लगेगी तो अलग से नहीं, इसी से हो जाएगा। मुझे बताया भी नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि इसमें मिर्च कटी हुई है। सब्जी बन गई, दादी के सामने थाली में गई, दादी ने जैसे पहली गिट्टी पहला गस्सा खाया तो मेरे को बुलाया, बहुत प्यार से बुलाया, कुछ भी नहीं कहा, ये तुमने क्या कर दिया है, इतनी मिर्ची डाल दी है, मैं कैसे खाऊंगी, कुछ भी नहीं दादी ने बोला। बुला करके और मेरे को गिट्टी खिलाया सब्जी की, कहा आओ पहले तुमको खिलाती हूँ तुम खाओ। तो जैसे मैंने खाई गिट्टी, अरे मैं तो बस वहीं पानी पानी हो गई। ये क्या, मेरे तो पाँव के नीचे से धरती खिसक गई, ये कैसा जादू हुआ जो मैंने तो मिर्च डाली नहीं, और दादी की सब्जी में इतनी मिर्च कहाँ से आ गई।
दादी ने सब्जी हटा दिया, बिना सब्जी के भोजन खा लिया, लेकिन एक भी शब्द नहीं कहा ये तुमने क्या किया है, और एहसास भी करा दिया कि मैंने ये गलती की है मेरे को खिला करके। तो ये दादी की बहुत बड़ी महानता थी कि वो कहते ना कि उसको महसूस भी हो और कुछ लगे भी नहीं, अपनी गलती एहसास कर ले। फिर मैंने जब पता निकालना शुरू किया तो पता चला कि माता ने भिंडी में मिर्च डाल दी थी। फिर मैंने दादी को जाके सॉरी बोला, दादी ने कहा नहीं नहीं तेरी थोड़ी ना गलती है, कोई तूने जानबूझ के थोड़ी ना गलती की है। दादी ऊपर से मैं और प्यार से समझा रही, तुम फील नहीं करो, कोई बात नहीं है, मैंने एक टाइम सब्जी ना खाया तो क्या हर्जा है, तुम कुछ नहीं फील करो। ऐसे दादी प्यार से, इतनी महानता, इतनी सरलता, इतना कौन दिखाएगा प्यार जो दादी के अंदर था, वो सचमुच की दादी माँ थी। तो ऐसे कई ऐसे सामने हमारे आए जो दादी ने इतना प्यार किया,